हरे कृष्ण। तो हम लोग आज श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे। हर बुधवार प्रयास करेंगे चैतन्य चरितामृत से पाठ करने का। चैतन्य चरितामृत, जैसा कि हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में, यह है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। जैसे कोई व्यक्ति पहले स्कूल जाता है, फिर ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। सबसे रसिक तत्व भी चैतन्य चरितामृत में है, सैद्धांतिक तत्व भी चैतन्य चरितामृत में है। थोड़ी शुरुआत में आदि लीला समझने में कठिन भी है, लेकिन बाद में मध्य लीला अंत लीला बहुत मधुर भी है। तो ये चैतन्य चरितामृत हम गौड़ीय वैष्णवों का धन है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि यदि एकमात्र चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हमारे पास हो तो बाकी कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। सारे ग्रंथों का सारातिसार श्री चैतन्य चरितामृत में हमको मिलता है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो बाकी ग्रंथों में नहीं मिलते। ये राधा कृष्ण के मधुर संबंध के विषय में जो तत्व चैतन्य चरितामृत में वर्णन है वो बाकी ग्रंथ में नहीं मिलते। लेकिन बाकी जो ग्रंथों में रस तत्व है, सिद्धांत है, वो सब चैतन्य चरितामृत में जरूर मिलता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत बहुत महत्वपूर्ण है। हम शुरुआत करेंगे चैतन्य चरितामृत का जो परिचय श्रील प्रभुपाद ने लिखा है उस परिचय का पाठ करके। रंगनी प्रिया माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण जी, एक सेकेंड। मूल रूप से अप्रैल 10, 14, 1967 को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत न्यूयॉर्क के समक्ष इसी भक्तिवरान स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रभु जी थोड़ा सा स्क्रॉल कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु की वैवाहिक जीवनी पर दिए गए 5 प्रातः के व्याख्यानों के रूप में चैतन्य का शाब्दिक अर्थ है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये परिचय है। प्रभुपाद ने 5 दिन चैतन्य चरितामृत के ऊपर प्रवचन किया था। 5 दिन चैतन्य चरितामृत क्या है भक्तों को समझाया था। एकदम जब आंदोलन की शुरुआत थी 66 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की और 67 में प्रभुपाद ये प्रवचन दे रहे हैं। और इस प्रवचन में प्रभुपाद ने चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथ क्या है ये बताया। इसके लेखक कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जैसे भागवत के लेखक हैं व्यासदेव, उस तरह इसके लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अदिति माता जी पढ़िए। चैतन्य का शाब्दिक अर्थ है जीवन, जीवन शक्ति। चरित का अर्थ है चरित्र और अमृत का अर्थ है अमर। सजीव प्राणी होने के नाते हम हिलडुल सकते हैं, किंतु एक मेज ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जीवन शक्ति नहीं है। गति, हिलना डुलना तथा क्रियाशीलता को जीवनी शक्ति का चिन्ह या लक्षण माना जा सकता है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि जीवनी शक्ति के बिना कोई क्रियाशीलता नहीं आ सकती। यद्यपि भौतिक अवस्था में जीवनी शक्ति रहती है, किंतु वह अमृत तथा अमर नहीं होती। अतएव चैतन्य चरितामृत शब्दों का अनुवाद जीवंत शक्ति का अमर चरित्र के रूप में किया जा सकता है, ये किंतु यह शाब्दिक शाब्दिक अर्थ है। चैतन्य यानी जीवंत। हम बोलते हैं चेतना, चेतना से शब्द आया चैतन्य, जिसमें चेतना है वो चैतन्य। तो जीवंत शक्ति यानी जीवों के अमर चरित्र के विषय में, यानी जीव को जानने लायक कुछ अमर चरित्र है तो वो है चैतन्य चरितामृत। इसलिए चैतन्य चरितामृत का पाठ हर जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरती माता जी। किंतु यह जीवन शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती है? यह इस भौतिक ब्रह्मांड में मनुष्य या किसी अन्य प्राणी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति इन शरीरों में अमर नहीं है। हम में जीवनी शक्ति है, हम कार्य करते हैं और हम अपनी प्रकृति तथा वैधानिक स्थिति से अमर है, किंतु हम
जिस भौतिक स्थिति में ला कर रखे गए हैं उसमें हमारी अमरता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। कठोपनिषद में कहा गया है कि अमरता जी, कठोपनिषद में कहा हाँ कि अमरता तथा जीवन शक्ति हम और ईश्वर दोनों में होती है। यद्यपि यह सच है कि हम तथा ईश्वर दोनों अमर है, किंतु अंतर तो यह है कि या अंतर तो है ही, हम जीव होने के नाते अनेक कर्म करते किंतु हम में ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे हम इस भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। ईश्वर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सर्वशक्तिमान होने के कारण वे कभी भी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते। निसंदेह भौतिक प्रकृति उनकी अचिंत्य शक्तियों में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। तो हमको ये समझना होगा, प्रभुपाद ये परिचय दे रहे हैं चेतन चेतामृत का, एकदम नए नए लड़के लड़कियों को, एकदम जिनको भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ मालूम ही नहीं, ऐसे एकदम नवीन लोगों को चेतन चेतामृत का परिचय दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो दो तरह के चैतन्य जीव हैं, एक हम भी चैतन्य हैं, एक भगवान भी चैतन्य है, लेकिन अंतर क्या है, जीव माया में पड़ जाता है लेकिन भगवान हमेशा माया से ऊपर रहते हैं, वो हमेशा माया को अपने नियंत्रण में रखते हैं, ना कि वो माया के नियंत्रण में होते। इसीलिए हमें भगवान के विषय में जानना चाहिए, चैतन्य विषय में तो जानना है लेकिन चैतन्य मतलब खुद के विषय में नहीं, भगवान के विषय में। इसलिए भगवान और हमारे बीच में अंतर क्या है ये समझना जरूरी है। यामिनी माता जी, हमारे और ईश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण सहायक हो सकता है। हमें भूमि से आकाश में केवल बादल दिखते हैं, किंतु यदि हम बादलों के ऊपर उड़कर जाएं, तो हमें चमकता सूर्य दिखेगा। आकाश से गगनचुंबी महल तक तथा शहर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के पद से यह समस्त भौतिक सृष्टि नगण्य एवं तुच्छ लगती है। बद्ध जीव की प्रवृत्ति है कि वह उन ऊंचाइयों से नीचे आना चाहता है जहाँ से विहंग का अवलोकन किया जा सकता है, किंतु ईश्वर में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। माया में आया गिरने की प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है। जिस तरह सूर्य में यह प्रवृत्ति नहीं होती कि वह बादलों से नीचे आए, मायावादी तत्व ज्ञानियों का मत है कि जब जीव तथा ईश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो दोनों ही माया के वश में रहते हैं। यही उनके दर्शन का दोष है। तो मायावादी क्या सोचते हैं, अरे जो भी शरीरधारी है वो सब माया में है, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान जो अपनी लीला करते हैं तो वो दिव्य लीला होती हैं, उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। इसीलिए आगे अब बता रहे हैं, प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। प्रफुल्ल प्रभु, अनिकेत प्रभु, हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने में से एक जैसे नहीं समझना चाहिए। वे स्वयं कृष्ण हैं, सर्वोपरि व्यक्ति हैं, इसलिए वे कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होते। कृष्ण उनके विस्तार और यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्त भी माया के बंधन में कभी नहीं आते। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं कृष्ण हैं जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचने के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे उस शिक्षक की तरह हैं जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखता है और बोलता जाता है, इस तरह अ आ ई लिखो। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शिक्षक स्वयं अ आ ई सीख रहा है। इसी तरह यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट होते हैं, किंतु हमें मूर्खतापूर्ण ढंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे एक साधारण पुरुष हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण ईश्वर हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जिस तरह कृष्ण भक्त की किस तरह कृष्ण भक्त बना जाए, और हमें इसी प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं, अरे शरण में जाऊं, मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व तो हैं, और माया हमसे कहती है तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से छूट जाओगे, मेरे चंगुल से मेरे चुंगल में फंसे रहो और मैं तुम्हें लतियाती रहूंगी।
यह तो सच है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश तो दिए हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी भक्ति करो, मेरे आश्रम में आओ, लेकिन कैसे करो ये भगवान ने नहीं बताया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने उदाहरण क्या दिया, जैसे टीचर बच्चे को ABCD लिखना सिखाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है टीचर ABCD सीख रही है, वो स्वयं अपने हाथ से लिख के बच्चे को ABCD लिखना सिखा रही। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है जो एक भक्त रूप में आकर के ये सिखाते हैं कि भक्ति का अनुशीलन कैसे किया जाए। भूमिका माता जी, यह सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह लतियाते जा रहे हैं जिस तरह कामुक गधे को एक गधी संभोग के लिए आते समय मुख पर लात मारती है। इसी प्रकार से कुत्ते तथा बिल्लियां भी मैथुन के समय हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ तक कि जंगल के हाथी को पकड़ने के लिए उसे प्रशिक्षित हथिनी के द्वारा गड्ढे तक ले जाया जाता है। हमें प्रकृति के इन चालों से शिक्षा लेनी चाहिए। माया के पास हमें फंसाने के अनेक तरीके हैं और भौतिक जगत में उसका सबसे प्रबल बंधन पाश स्त्री है। निसंदेह हम न तो पुरुष है न स्त्री, क्योंकि ये उपाधियां हमारे ब्रह्म वस्त्र शरीर को ही लागू होती हैं। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं, किंतु बद्ध जीव में हम सुंदर स्त्री रूप लोहे की जंजीर के से जकड़े हुए होते हैं। इस तरह प्रत्येक नर यौन जीवन से बंधा है। अतएव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी काम वासना को वश में करना सीखना चाहिए। अनियंत्रित काम वासना से मनुष्य पूरी तरह माया के बंधन में फंस जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस माया के से 24 वर्ष की आयु में इसमें वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी और वे ही अपने परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य थे। यद्यपि वे ब्राह्मण थे और धनी नहीं थे, किंतु उन्होंने संन्यास ले लिया और इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने को विलग कर लिया। तो माया तो हमेशा चाहती है कि हम भौतिक संसार में ही रहें, लेकिन जीव का काम क्या है, वो भौतिक संसारों को छोड़ के भगवान की सेवा में लगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखाते हैं कैसे गृहस्थ जीवन में भक्ति की जा सकती है, संन्यास जीवन में भक्ति की जा सकती है, हर स्थिति में कैसे भक्ति की जा सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से हमको सीखना चाहिए। आयुष प्रभु, यदि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामय बनना चाहते हैं तो हमें माया के बंधन को छोड़ना होगा, अथवा यदि हम माया के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें इस तरह रहना होगा कि हम माया के वशीभूत ना हो, जैसा कि भगवान चैतन्य के घनिष्ठ भक्तों में से अनेक गृहस्थों ने किया। किंतु सन्यासियों के प्रति भगवान चैतन्य अधिक कठोर थे। यहाँ तक कि छोटे हरिदास को, जो जो कि एक महत्वपूर्ण कीर्तन गायक था, किसी युवती पर कामुक दृष्टि डालने के कारण उन्होंने निकाल दिया था। महाप्रभु ने उससे कहा, तुम मेरे साथ एक सन्यासी के रूप में रह रहे हो, फिर भी एक स्त्री के प्रति कामुक दृष्टि से देखते हो। दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब लोग उससे क्षमा कर उसके साथ रह सकते हो, मैं अकेला रहूंगा। दूसरे प्रसंग में जब महाप्रभु को यह पता चला कि एक गृहस्थ भक्त की पत्नी गर्भवती है, तो उन्होंने उसके बच्चे का एक विशेष शुभ नाम रखने के लिए कहा। अतः जब महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए संयमित संभोग की स्वीकृति दी थी, तब व्रत के दिन स्नान के बहाने डुबकी लगाकर पानी पीने की पद्धति अपनाकर दूसरों को ठगने के प्रयास करने वाले सन्यासियों के प्रति वे व्रज के समान कठोर थे। दूसरे शब्दों में, वे अपने अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का कपट आचरण सहन नहीं कर सकते थे। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ बनना है या सन्यासी बनना है, जिस आश्रम में है उस आश्रम के नियमों का पालन करना है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपने सन्यासी अनुयायियों के लिए बड़े कठोर थे। उनमें से एक ने एक स्त्री के प्रति कामुक इच्छा रखी, महाप्रभु ने सदैव के लिए उनका त्याग कर दिया। बाकी भक्तों ने बोला भी, महाप्रभु ठीक है उससे गलती हुई, आप क्षमा कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने, नहीं, तुम सब उसके साथ रहो, मैं नहीं रहूंगा। उसी के ठीक विपरीत
एक भगव चैतन्य महाप्रभु के ग्रस्त भक्त उनको बताते हैं कि उनकी पत्नी गर्भवती है। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, उनके जन्म से पहले ही उनका नाम रख दिया कि बच्चा होगा तो ये नाम रखना। इतना महाप्रभु उनको प्रेम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पारिवारिक जीवन से महाप्रभु को समस्या नहीं थी। महाप्रभु जिस आश्रम में आप हैं उस आश्रम के नियम ठीक से पालन करें ये अपेक्षा करते थे। कपट सहन महाप्रभु कभी नहीं करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखना है। कपट आचरण महाप्रभु कभी सहन नहीं कर सकते। कोई पतित हो सकता है, पतित पावन है चैतन्य महाप्रभु, कपटी पावन नहीं है। कपट सहन नहीं करते हैं, कोई अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, उस तरह आचरण नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लो कोई बोल रहा है अरे मैं तो व्रत करता हूं, मैं पानी भी नहीं पीता हूँ, और फिर बोलता है मैं स्नान करके आऊंगा, तालाब के अंदर स्नान करने जाता है, अंदर चुपचाप पानी पी लेता है, ये कपट है। यहाँ पर जो उदाहरण दिया है ये दिया है कि स्नान करने के बहाने अंदर जाके चुपचाप पानी पी ले, और बाहर बता रहा है कि मैं तो बड़ा व्रत कर रहा हूं, मैं तो निर्जला रहता हूं, ये कपट महाप्रभु कभी स्वीकार नहीं करते हैं। मुख्य गोपी माता जी, चैतन्य चरितामृत हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को किस तरह माया के बंधन तोड़कर अमर बनने की शिक्षा दी। अतः जैसा कि पहले कहा गया है, इस शीर्षक का सही अनुवाद होगा जीवंत शक्ति का अमर चरित्र। परम जीवंत शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वे परम पूर्ण व्यक्ति भी है। जीव असंख्य है और वे सभी व्यक्ति हैं। हमें समझना अत्यंत सरल है, हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में स्वतंत्र व्यक्ति हैं और परमेश्वर भी एक व्यक्ति है, किंतु वे इस बात में भिन्न है कि वे सर्व प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनसे कोई पार नहीं पा सकता। शूद्र जीवों में एक जीव दूसरों से किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान भी इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति व्यष्टि हैं, किंतु वे इस मामले में भिन्न है कि वे परम व्यक्ति हैं, ईश्वर अचुत्य भी है। जैसा कि भगवद गीता में उन्हें संबोधित किया गया है, अचुत्य का अर्थ है वो कभी पतित नहीं होता। यह नाम उचित है क्योंकि भगवद गीता में अर्जुन को मोह हुआ था किंतु कृष्ण को नहीं हुआ था। कृष्ण अपनी औचित्य का प्रदर्शन स्वयं करते हैं जब वे अर्जुन से कहते हैं, जब संसार में प्रकट होता हूँ तब मैं ऐसा अपनी अंतरंगा शक्ति से करता हूँ। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है कि चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेके हम अपने मायाबद्ध जीवन से मुक्त हो सकते हैं, अपने पुनः चैतन्य जीवन की ओर जा सकते हैं। ये चैतन्य चरितामृत इतना अच्छा ग्रंथ है। भगवान को माया में देखना तो दूर की बात, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इतना पवित्र है कि उसको पढ़ के कोई माया से मुक्त हो जाए तो भगवान स्वयं कहाँ माया के अधीनस्थ हो सकते हैं। जिनका चरित्र मात्र पढ़ने से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता हो, उनका स्वयं का जीवन कैसे मायाबद्ध हो सकता है? इसलिए महाप्रभु की लीला जब हम सुनेंगे कभी मन में विचार नहीं आना चाहिए अरे ये तो सामान्य व्यक्ति जैसे कर रहे हैं। नहीं, भगवान की हर लीला, जैसे कृष्ण लीला, भगवान राम की लीला, ये सब लीला दिव्य है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की लीला भी दिव्य है। प्रभुपाद चेतावनी दे रहे हैं। मधु माता जी, इस तरह हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब कृष्ण भौतिक जगत में होते हैं तब वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। कृष्ण तथा उसके अवतार कभी भी भौतिक प्रकृति के वश नहीं होते, वे स्वतंत्र रहते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत में ईश्वरीय प्रकृति वाला व्यक्ति उसे बताया गया है जो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता। यदि एक भक्त ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो परम भगवान के विषय में तो कहना ही क्या। तो वास्तविक प्रशंसा भागवत इसकी पुष्टि करता है कि जो भगवान का आश्रय लेता है वो कभी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता। तो जिनका आश्रय लेके भौतिक प्रकृति प्रभावित नहीं करे, वो स्वयं भौतिक प्रकृति से कैसे प्रभावित होंगे, ये समझना बड़ा आवश्यक है। अमित प्रभु, वास्तविक प्रश्न तो यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कल्मश से कलुषित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए भी तभी अकलुषित रह सकते हैं जब हम कृष्ण की सेवा को अपना अभिष्ट बना लें। तब कोई यह उचित रूप से प्रश्न कर सकता है कि मैं किस तरह सेवा कर सकता हूँ। यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है,
जो केवल मन का कार्य है, अपितु यह कृष्ण के लिए व्यावहारिक कार्य करने की बात है। ऐसे कार्य में हमें किसी भी संसाधन को उसका उपयोग किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास हो, उसका उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। हम प्रत्येक वस्तु का, टाइप राइटर, मोटर कार, हवाई जहाज, प्रक्षेपास्त्र, हर वस्तु को उपयोग कर सकते हैं। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावनामृत में विषय में बतलाया तो भी हम सेवा करते हैं। इस तरह यदि हमारे मन, इंद्रिय, वाणी, धन तथा शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में होता है तो हम भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना में बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं। यह तथ्य है कि कृष्ण उनके अंश तथा उनके भक्त अर्थात वे जो उनके लिए कार्य करते हैं भौतिक प्रकृति में नहीं होते। यद्यपि अल्पज्ञ यही सोचते हैं कि वे होते हैं। चैतन्य चरितामृत में शिक्षा देता है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक जगत में हमारे सारे कार्य भी अमर हैं। मायावादी लोग, जिनका विचार है कि परम पूर्ण निर्विशेष एवं निराकार है, यह दलील देते हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को बात करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वैष्णव जन जो कि कृष्ण के भक्त होते हैं, दलील देते हैं कि जब कोई साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है तभी वह सचमुच बोलने लगता है। वैष्णव कहता है, इसके पहले तो हम केवल बकवास कर रहे थे, अब हम अपनी वास्तविक बातें, कृष्ण की बातें शुरू करें। अपने मत के पक्ष में मायावादी जल की गगरी का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब गगरी जल में भरी नहीं होती तो छलकती है, तो छलकती चलती है और आवाज करती है, किंतु जल से भरी होने पर नहीं छलकती है और आवाज नहीं करती। तो क्या हम जल की गगरी हैं? हमारी उपमा उनसे कैसे दी जा सकती है? अच्छी उपमा वह है जिसमें दो वस्तुओं में यथासंभव अनेक समानताएं हों। जल की गगरी जीवित शक्ति नहीं है, जबकि हम हैं। नित्य मौन ध्यान जल की गगरी के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु हमारे लिए वह पर्याप्त नहीं है। जब सचमुच कोई भक्त यह अनुभव करता है कि उसके पास कृष्ण के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, तो प्रतिदिन 24 घंटे भी हमें कम पड़ जाते हैं। जो मूर्ख होता है उसकी ख्याति तब तक रहती है जब तक वह मौन रहता है, क्योंकि उसका मौन भंग होते ही उसकी पोल खुल जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत दिखलाता है कि परमेश्वर के यशोगान के अनेक अद्भुत बातों का पता चलता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है माया से मुक्त होना है, माया से मुक्त होना है इसका मतलब सब कुछ छोड़ दो, नहीं। चैतन्य चरितामृत एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि कैसे हर वस्तु यदि कृष्ण की है, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, चाहे वो हमारे कोई भी वस्तुएं हमारे पास हो, या फिर हमारे स्वयं का मन, हमारे स्वयं का शरीर, हमारे स्वयं की वाणी, हमारे स्वयं की ऊर्जा, सब कुछ भगवान की सेवा में लगे। जब सारी चीजें भगवान की सेवा में लगती हैं तो वो सार्थक हो जाती है। अंकित प्रभु, चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं को सादर नमस्कार करता हूँ। वे यहाँ बहुवचन का प्रयोग गुरु शिष्य परंपरा को इंगित करने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, वे तो पूरी परंपरा के शिष्य परंपरा की पूरी श्रृंखला को नमस्कार करते हैं जो स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। इस प्रकार गुरुओं शब्द का संबोधन समस्त पूर्ववर्ती गुरुओं के प्रति लेखक का, तो मुझे प्लीज इस कॉल कुछ प्लीज प्लीज इस कॉल प्रभु जी। किया है प्रभु, ऑलरेडी किया। ठीक है, मीनू माता जी पढ़िए आगे। अतीव सम्मान प्रदर्शित होता है। गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद लेखक अन्य भक्तों को स्वयं भगवान को, उनके अवतारों को, ईश्वर के विस्तारों को तथा कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कभी कभी कृष्ण चैतन्य भी कहे जाते हैं, इन सबके मूर्त रूप हैं। वे एक साथ भगवान, गुरु, भक्त, अवतार, अंतरंगा शक्ति तथा ईश्वर के विस्तार हैं। वे अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार हैं। अदेत के रूप में वे अवतार हैं, गदाधर के रूप में वे अतरंगा शक्ति हैं, और श्रीवास के रूप में वे भक्त की भूमिका में तटस्थ जीव हैं। इस तरह कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने समस्त सनातन प्राकट्यों के साथ विद्यमान मानना चाहिए। जैसा कि रामानुजाचार्य ने बतलाया है कि विशिष्ट द्वैत दर्शन में ईश्वर की शक्ति
ईश्वर की शक्तियां विस्तार तथा अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर इन सबों से अलग नहीं है, वे सभी मिलकर ईश्वर कहे जाते हैं। यहाँ वास्तव में पर चैतन्य चेतन चरितामृत की शुरुआत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरु तत्व को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए पहले अध्याय का नाम जो आएगा वो है गुरु परंपरा। गुरु तत्व को प्रणाम कर रहे हैं, केवल अपने गुरु को नहीं, सारे शिक्षा गुरुओं को, पथ प्रदर्शक गुरु नित्यानंद प्रभु को, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु को, सभी परंपरा आचार्यों को, सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये बड़ा ही नव दीक्षित भाव होता है कि मेरे गुरु को ही मैं सम्मान करूंगा और किसी को सम्मान नहीं करूंगा। नहीं, जितने भी भक्त, वरिष्ठ भक्त हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, जितने भक्तों की कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो इस पृथ्वी पे हो चाहे ना हो, सभी को सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार उनको प्रणाम करते हुए अब चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्वों को प्रणाम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो कि स्वयं भगवान है, भक्त रूप में आए हैं। नित्यानंद प्रभु, जो भगवान के प्रथम विस्तार हैं, बलराम। अद्वैत आचार्य, जो भगवान के पुरुष अवतार हैं, जैसे कि महाविष्णु। गदाधर पंडित, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी। श्रीवास ठाकुर, जो नारद मुनि हैं, जो भक्त के रूप में वहां पर उपस्थित। इस प्रकार से पंच तत्वों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान कभी भी अकेले नहीं पूजे जाते, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ पूजे जाते हैं, और ये तो भक्त अवतार ही है, इसलिए सभी उनके अनुयायियों के साथ प्रणाम करते हुए चैतन्य चरितामृत की शुरुआत कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे करेंगे। राहुल प्रभु, वास्तव में चैतन्य चेतामृत नए भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवद गीता से प्रारंभ करना है और श्रीमद् भागवतम से आगे बढ़ना है, फिर चैतन्य चेतामृत का अध्ययन करना है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पर है, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चेतामृत सर्वोच्च स्तर पर माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्र से देते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इस उदाहरण से सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। पाश्चात्य जगत में जहाँ भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहां यह पूछा जा सकता है कि कृष्ण चैतन्य कौन है। इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चेतामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने ग्रंथ के तीसरे श्लोक में दिया है। सामान्यतया उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है, किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार पहलू का उल्लेख मिलता है, जहाँ हम निम्नलिखित श्लोक पाते हैं। हिरण्यमयेन यहाँ पर पात्रेण बताया जा रहा सत्यम्। है कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा वास्तव में सूर्य चंद्रमा एक साथ उदित हो जाएं, ऐसी है, जो प्रकाश भी दे और चंद्रमा जैसी शीतलता भी दे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म ज्योति के स्रोत्र हैं, ये चैतन्य महाप्रभु परमात्मा के स्रोत्र हैं, ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये नंदनंदन कृष्ण से अभिन्न भगवान है, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद दोबारा चेतावनी दे रहे हैं, नए भक्तों के लिए चेतन चेतामृत नहीं है। जिनको भगवद गीता के सिद्धांत, भागवत के सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, वो चेतन चेतामृत समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवद गीता का अध्ययन, भागवत का अध्ययन जिनका है, वे चेतन चेतामृत ठीक से समझ पाए। अर्चना माता जी, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहित मुखं तत्त्वं शोषण पावेणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है, कृपया उस आवरण को हटा ले और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दे। ईशोपनिषद। निर्विशेषवादियों मायावादियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सके जिनसे यह प्रकाश उत्सर्जित होता है, किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है।
उनका उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का ज्वल्यमान तेज कहा गया है। और चैतन्य चरितामृत से हमें पता लगता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार है, परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य के अंश स्वरूप मात्र है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। यह है धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण है, परमेश्वर है, और न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। ऊपर वे परम पुरुष हैं। एक विश्वस्त भक्त श्री रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी थी, उन्होंने लिखा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो अन्य किसी अवतार यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदान्य है, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया जा रहा है, कैसे वो ब्रह्म ज्योति के स्रोत्र हैं, कैसे वो परमात्मा के स्रोत्र हैं, और कैसे वो साक्षात श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ही तो कृष्ण का प्रेम दे सकते हैं। आशा माता जी आगे पढ़िए। भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से ही शुरू करते हैं। वे प्रभु जी ऊपर वे कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जिससे मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अपितु वे भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहां मनुष्य अपनी सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। भगवद गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं, और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहाँ आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। मायावादी लोग वही अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहीं से शुरू होती है। वेदांत सूत्र का शुभ आरंभ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ प्रारंभ करें। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य की प्रशंसा सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे किसी के प्रभु जी ऊपर किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती है। एक तरह से जो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वही भक्ति के स्तर पर स्थित होता है, किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना कुछ तो ही तो है किंतु अधिक नहीं। भगवान चैतन्य ने आचार्य के रूप में शिक्षा दी है कि हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता पिता या प्रियतमा बन सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया क्योंकि अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र था, किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन ने अपनी इस मैत्री भाव के लिए प्रभु जी ऊपर मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं। भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। हम अपने को ईश्वर के पिता या माता के रूप में संबंधित भी मान सकते हैं। यह दर्शन न केवल चैतन्य चरितामृत का है अपितु श्रीमद् भागवत का भी है। विश्व में ऐसा कोई अन्य शास्त्र नहीं है जिसमें ईश्वर को भक्त के पुत्र रूप में माना गया हो। सामान्यतः ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में देखा जाता है जो अपने पुत्रों की मांगों को पूरा करने वाले हैं, किंतु कभी कभी बड़े बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तब पुत्र मांगता है और पिता तथा माता उन मांगों को पूरा करते हैं और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते समय भक्त पिता या माता के समान बन जाता है। इस तरह ईश्वर से लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक से खाओ। इस प्रकार कृष्ण हर वस्तु के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहते हैं। यह मैत्री का अद्वितीय स्तर है जिसमें भक्त अपने आप को वास्तव में कृष्ण या का पिता या माता मानता है। चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी भेंट है ये विशुद्ध भक्ति, प्रेममय भक्ति
जीवों को प्रदान की है। वास्तव में ये भक्ति हम लोग वृंदावन के परिकरों के अलावा किसी के अंदर देखते ही नहीं। तो ऐश्वर्य भाव से ऊपर भक्ति दी चैतन्य महाप्रभु ने और सभी को प्रवेश दिया। यद्यपि वृंदावन भाव में सेवा करना सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हर जीव इस प्रेम का अनुभव कर पा सकता है। इसलिए उनको बोला है महावदन्य। महावदन्य मतलब सबसे बड़ा दाता। भगवान के सभी अवतारों में भी सबसे बड़े दाता श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, क्योंकि पतित से पतित व्यक्ति को उठा करके शुद्ध कृष्ण प्रेम देना केवल उन्हीं के लिए संभव है। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानना। इस संबंध में भगवान अपने भक्त पर इतने अनुरक्त रहते हैं कि वे प्रेम विनिमय करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। कृष्ण वृंदावन की गोपियों के इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला देने में असमर्थ अनुभव करते थे। उन्होंने उनसे कह दिया, मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान करने में असमर्थ हूँ, मेरे पास लौटने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह प्रेमी तथा प्रेमिका के श्रेष्ठतम स्तर पर संपन्न की गई भक्ति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रदान किया। इसे किसी पूर्ववर्ती अवतार या आचार्य ने कभी नहीं दिया था। अतएव शिला रूप गोस्वामी के कथन के आधार पर कृष्णदास कविराज ने अपने इस ग्रंथ के चौथे श्लोक में लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण है और वे माता शची के पुत्र हैं, शची नंदन है। वे उदारतम पुरुष हैं क्योंकि वे सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। आए आप सब लोग उन्हें सदैव अपने हृदय में रखें, उनके माध्यम से कृष्ण को समझना सरल होगा। तो भगवान श्री हम कृष्ण अपने भक्तों के साथ सदैव आदान प्रदान करते हैं और एक कंपटीशन सा छिड़ जाता है जिसमें भगवान अपने भक्तों को सेवा करना चाहते हैं और भगवान के भक्त भगवान को सेवा, दोनों एक दूसरे को सेवा करना चाहते हैं और इस कंपटीशन में भगवान हार जाते हैं। हमेशा उनके भक्त उनको ज्यादा सेवा करते हैं, भगवान हमेशा उस कॉम्पिटिशन में हार जाते। इसीलिए ऐसे विशुद्ध प्रेम को देने श्री चैतन्य महाप्रभु आए, ये प्रेम केवल कृष्ण के अलावा और कोई नहीं दे सकता। सामान्यतः भी आप मान लो कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करे, आप ही तो उसको प्रेम दे सकते हो, आपके प्रेम को आपके अलावा और कौन दे सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं करा सकता कि चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता हूँ, आज से आप दोनों एक दूसरे को प्रेम कीजिए। नहीं, आप ही अपने प्रेम को दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरुत्तिशे नमः, ये कृष्ण प्रेम कृष्ण के अलावा और कौन दे सकता है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है और सबसे कारुण्य अवतार है जो सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। अंकित निगम प्रभु, हम प्रायः यह वाक्यांश सुनते हैं, भगवत प्रेम। इस भगवत प्रेम को कहाँ तक विकसित किया जा सकता है? इसे वैष्णव दर्शन से सीखा जा सकता है। भगवत प्रेम का सैद्धांतिक ज्ञान तो अनेक स्थानों में तथा अनेक शास्त्रों से मिल जाएगा, किंतु वह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या, और इसे किस तरह विकसित किया जाता है, इसे तो वैष्णव साहित्य में ही पाया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा तो भगवत प्रेम अद्भुत एवं सर्वोच्च को प्राप्त हुआ है। इस भौतिक जगत में भी हमें प्रेम का अल्प ज्ञान हो सकता है, तो यह कैसे संभव होता है? यह हमारे मूल भगवत प्रेम की उपस्थिति के कारण होता है। इस बद्ध जीवन में हमें जो भी अनुभव प्राप्त होता है वह उस परमेश्वर में स्थित रहता है जो प्रत्येक वस्तु के चरम स्रोत है। परमेश्वर के साथ अपने मूल संबंध में हम वास्तविक प्रेम पाते हैं और वही प्रेम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विकृत रूप से प्रतिबंधित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम सतत एवं अंतहीन होता है, किंतु इस जगत में जब वही प्रेम विकृत रूप से प्रतिबंधित होता है तो इसमें निरंतरता का अभाव रहता है और वह उन्मादयुक्त हो जाता है। यदि हम वास्तविक दिव्य प्रेम चाहते हैं तो हमें अपने प्रेम को प्रेम के उस सर्वोपरि पात्र भगवान कृष्ण के प्रति स्थानांतरित करना होगा। कृष्ण भावना का यही मूलभूत सिद्धांत है। सबके भीतर प्रेम है, एक खूंखार जानवर के अंदर भी प्रेम है, एक सर्प के अंदर, शेर के अंदर, सबके अंदर प्रेम।
लेकिन ये प्रेम तभी जागृत होता है जब ये प्रेम कृष्ण के लिए उन्मुख हो, नहीं तो ये प्रेम काम रूप में हमारे हृदय में रहता है। ये काम रूपी भावनाएं वास्तव में हमारे हमारे अंदर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका छन्न रूप है। अगर हम वही प्रेम कृष्ण के लिए लगाएं तो सबके हृदय में असीमित प्रेम है जो भगवान श्री कृष्ण सबको प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। बसंत प्रभु, भौतिक चेतना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। हम अपना प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं और साथ ही यह खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय यदि हम उनके विषय में सोचा तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्ता या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारे बाद के दूसरे जीवन को निश्चित करती है। यही एक कारण है वैदिक शास्त्र स्त्रियों के सतीत्व पर इतना अधिक बल देते। यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो मृत्यु के समय वह अपने पति के बारे में सोचेगी और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर को उन्नत होगी। साधारणतया एक पुरुष का जीवन स्त्री के जीवन से अच्छा होता है क्योंकि एक पुरुष को आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण चेतना इतनी उत्तम है कि यह पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई चाहे स्त्री शूद्र वैश्य अथवा निम्न योनि में उत्पन्न कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से मेरा संग प्राप्त करता है। यह कृष्ण का आश्वासन है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक दशा में तथा प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ न कुछ संकेत मिलता है, किंतु कोई भी यह नहीं जानता कि यह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या। किंतु वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग है क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। अन्य शास्त्र इसकी कोई जानकारी नहीं देते कि मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है, ना ही ये शास्त्र वास्तव में इसकी परिभाषा देते हैं या वर्णन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या या कौन है। यद्यपि वे औपचारिकता की दृष्टि से भगवत प्रेम का संवर्धन करते किंतु उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसे किस तरह संपन्न किया जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यावहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका भाव ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण सदा ही राधा रानी के प्रेम से चकित रहते थे। वे पूछते थे, राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती। राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान श्री चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है किंतु हमें यह दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए उन्होंने राधा रानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की। इसीलिए लेखक 5वें श्लोक में कहते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो सदैव राधा रानी के भाव में मग्न रहते हैं। इस प्रकार ये जो प्रेम है, भगवत प्रेम है, ये सभी जीवात्माओं के हृदय में है और इस भगवत प्रेम को अनुभव करना बड़ा ही श्रेष्ठ अनुभव है। भगवान स्वयं इस प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं। भगवान विचार करते हैं कि श्रीमती राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हैं? मेरे अंदर ऐसी कौन सी मधुरिमा है जिससे राधा रानी इतनी आकृष्ट होती, और इस प्रेम का आस्वादन करके राधा रानी को क्या अनुभव होता है? ये अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है जो राधा रानी का भाव लेकर के आए, उन्हें भी उस प्रेम का आस्वादन करना है। देखो, भगवान के पास सब कुछ है लेकिन भगवान के पास भक्ति का अनुभव नहीं है। इसीलिए भगवान पूर्ण कैसे हुए? वो पूर्ण तो तब होंगे जब उनके पास सब कुछ हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आते हैं तो पूर्ण ईश्वर बन जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास भक्ति का अनुभव भी हो जाता है। और ऐसा अनुभव होता है कि महाप्रभु का विरह, महाप्रभु का प्रेम, हम सब अंत लीला में पढ़ेंगे, इतना प्रगाढ़ होता है कि महाप्रभु राधा रानी के प्रेम को समझ पाते हैं। इस प्रकार ये चैतन्य चरितामृत का परिचय है।
आधा हो चुका है, आधा आगे पढ़ेंगे। आप लोग अपने फ्री समय में भी बीच बीच में पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आज मंदिर में हिज होलीनेस रूप रघुनाथ महाराज के अंतिम संस्कार हैं। महाराज ने भोपाल में अपना शरीर छोड़ा, कल रात में उनका शरीर हम लोग उज्जैन लेके आ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार देने के लिए श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज, श्री श्रीमद श्री कृष्ण चैतन्य महाराज और भी अन्य वरिष्ठ भक्त पूरे भारतवर्ष से आए हैं। तो उनका अंतिम संस्कार अभी 9:30 बजे है, 8:30 बजे महाराज के अंतिम दर्शन मंदिर में होंगे। तो आप सब उज्जैन में जो हैं सभी लोग जल्दी आ सकते हैं, मंदिर में महाराज के शुद्ध भक्त के अंतिम दर्शन कर लिए। और 9:30 बजे हम सब जाएंगे चक्र तीर्थ पर, वहाँ जाके चक्र घाट पर जाके महाराज का अंतिम संस्कार होगा। और शाम को 4:30 बजे मंदिर में रूप रघुनाथ महाराज की स्मृति सभा, जहाँ सारे वरिष्ठ भक्त लोकनाथ स्वामी महाराज, भक्ति प्रेम महाराज, श्री कृष्ण चैतन्य महाराज और बाकी महाराज लोग, हिज ग्रेस महामन प्रभु भी आ रहे हैं, तो सभी वरिष्ठ भक्त उनकी स्मृति में अपने शब्द बोलेंगे। और उसके बाद 7:00 बजे सभी के लिए प्रसाद है। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिस्टम बनाया था कि जब कोई महान भक्त, महान वरिष्ठ सन्यासी, महान वरिष्ठ भक्त अपना शरीर त्यागते हैं तो सभी वैष्णव एक साथ एकत्र होकर उनका गुणगान करते हैं और महाप्रसाद का स्वादन करते हैं। तो शाम को 7:00 बजे महाराज की स्मृति में महाप्रसाद भी सभी के लिए रहेगा। तो आप सब लोग इस तरह प्लान कीजिए, सुबह अंतिम संस्कार में तो आइए ही और शाम को महाराज की स्मृति सभा और प्रसाद में भी भाग लीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये महाराज जो है हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज के डिसाइपल है। हाँ, हिज होलीनेस रूप रघुनाथ महाराज 82 इयर्स ओल्ड थे, 82 वर्ष के थे, और इन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया था 40 वर्ष पहले। 40 सालों से ये पद यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभाते थे, कई स्थानों में प्रचार करते थे। मैं महाराज का फोटो भी दिखाता हूँ। महाराज अभी कुछ ही समय पहले उनको संन्यास मिला, लेकिन इस्कॉन में बहुत सालों से वो प्रचार कर रहे थे। ये महाराज का फोटो है, लोकनाथ महाराज उनको संन्यास दे रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर उनका तिरुभाव हुआ है। उन्होंने सुबह क्लास दी भोपाल में, हमारा जो एक्सटेंशन सेंटर है वहां पर भोपाल में, रसानंद प्रभु रहते हैं वहां पर, सुबह क्लास दी स्नान यात्रा के दिन। और सुबह क्लास देने के बाद वो क्लास में बोल रहे थे कि ये हमारा अंतिम जन्म होना चाहिए, कोटि जन्म बंद करो और इसी जन्म में भक्ति करके भगवत धाम चले जाओ। इस तरह उन्होंने प्रवचन में लास्ट शब्द कहे। और प्रवचन देने के बाद अपने कमरे में गए, प्रसाद लेने के लिए कुर्सी पे बैठे और बस कुर्सी पे बैठ के उन्होंने शरीर त्याग दिया। इतना सुंदर उनका भगवत गमन हुआ है, भगवत कथा की अपने कमरे में जाके भक्तों की सेवा करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इस तरह उनका महान जीवन, आज हम बहुत कुछ महाराज के बारे में सुनेंगे। तो आप लोग सुबह तो भाग ले ही सकते हैं, लेकिन शाम को जरूर आइए 4:30 बजे से स्मृति सभा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समय भक्त।